हेलो एस्पिरेंट्स, आज के वीडियो में हम पढ़ेंगे 9 नवंबर 2022 के करंट अफेयर्स। सो आपसे रिक्वेस्ट है, जल्दी से पेपर पेन उठाएं और वीडियो के साथ साथ में ही नोट्स बनाना स्टार्ट करें। फर्स्ट न्यूज़ है नेशनल फ्लोरेंस नाइटेंगल अवार्ड्स 2021। सो 2021 में आप सोच रहे होंगे ये तो पिछली न्यूज़ आ गई। नहीं, देखिए 2021 की स्टडी करके ये अवार्ड 2022 में दिया जा रहा है, ठीक है। ये अवार्ड कब स्टार्ट हुआ था? इट वॉज इंस्टीट्यूटेड इन 1973, 1973 में ये स्टार्ट हुआ था। किसे दिए जाते हैं ये जो अवार्ड्स हैं, नेशनल फ्लोरेंस नाइटेंगल अवार्ड्स किसे दिए जाते हैं? पॉलिटिशियंस को दिए जाते हैं, राइटर्स को, पोइट्स को, किसे दिए जाते हैं? तो टू द नर्सिंग प्रोफेशनल्स, जो नर्सेज होती हैं उन्हें दिए जाते हैं, जो नर्सिंग प्रोफेशन में होते हैं उन्हें दिए जाते हैं फॉर देयर मेरिटोरियस सर्विस। अगर वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, ठीक है, कुछ एक्स्ट्रॉर्डिनरी सर्विस दे रहे हैं सोसाइटी को, तो उस केस में दिया जाता है। प्रेजेंटेड बाय द्रौपदी मुर्मू। अब ये जो अवार्ड्स हैं नेशनल फ्लोरेंस नाइटेंगल अवार्ड्स, द्रौपदी मुर्मू ने प्रेजेंट किया, मतलब किसको मिलेगा वो सब बताया, एट राष्ट्रपति भवन, राष्ट्रपति भवन में। और द्रौपदी मुर्मू है कौन राइट नाउ? ये क्या है, हमारे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है, फर्स्ट दलित प्रेसिडेंट है, ठीक है। नाउ बाय मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड पब्लिक वेलफेयर। कौन बनाता है इन अवार्ड्स की स्टडी के लिए, कौन ये अवार्ड्स जो है वो एक्चुअल में बनाता है? तो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड पब्लिक वेलफेयर जो है ये सब लिस्टिंग बनाती है, एंड जो हमारा प्रेसिडेंट होता है वो उनको अप्रूव करके वहां पे फिर प्रेजेंट करता है, ठीक है। फर्स्ट न्यूज हो गई हमारी कंप्लीट। वीडियो पसंद आई तो लाइक जरूर कीजिएगा। सेकेंड पॉइंट है गुरु नानक जयंती, वेरी इंपॉर्टेंट। सो गुरु नानक जयंती कब मनाई गई? 8 नवंबर को, ऑल्सो कॉल्ड गुरुपर्व, गुरुपर्व भी से कहा जाता है। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट डेज ऑफ सिखिज्म। देखिए हमने मिडिवल हिस्ट्री पढ़ी, हमने वहां पर सिखिज्म पढ़ा, हमने जाना कि सिखों के 10 गुरु थे, ठीक है। फिर हमने जाना कि ऑन द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ गुरु नानक देव जी, हमने जब वहाँ पे 10 गुरु पढ़े तो हमने पढ़ा कि सिखिज्म यानी सिख धर्म के फाउंडर कौन हैं? गुरु नानक देव जी हैं। उनका बर्थ कहाँ हुआ था? ननकाना साहब पाकिस्तान में हुआ था। फिर उनकी बर्थ एनिवर्सरी जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट इवेंट है सिखों के लिए, ठीक है। सो कब मनाई जाती है गुरु नानक जयंती? जो बर्थ एनिवर्सरी है, मतलब जब उनका बर्थडे हुआ था गुरु नानक देव जी का, उस दिन मनाई जाती है, जो कि कौन थे, फाउंडर ऑफ सिखिज्म। और एक्चुअल में डेट वगैरह का क्या है, तो वो है ऑब्जर्व्ड ऑन द फुल मून डे ऑफ कार्तिक मंथ। जो मंथ्स होते हैं 12, जो हिंदू मंथ्स होते हैं, उसका जो कार्तिक मंथ होता है उसके फुल मून डे पे ये मनाई जाती है, ठीक है। अब देखिए हमारा सेकेंड करंट अफेयर भी हो गया कंप्लीट, आगे चलते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स लग रहे हैं आज के। सो थर्ड है 2 books ऑन अचीवमेंट्स एंड लेगेसी ऑफ पीएम मोदी हैव बीन रिलीज्ड और लॉन्च्ड। 2 books हैं जिसपे पीएम मोदी, जो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं इंडिया के, उनकी अचीवमेंट्स और उनकी लेगेसीज के बारे में बताया गया है, तो वो रिलीज की गई हैं, ठीक है। सबसे पहले कहाँ पे रिलीज की गई हैं? दुबई में रिलीज की गई हैं। कौन से मिनिस्ट्री ने रिलीज की हैं? रिलीज बाय द मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट फॉर स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप, राइट। अब बुक्स के नाम भी पता होने चाहिए कि बुक्स के नाम क्या है। जो प्राइम मिनिस्टर मोदी हैं उनके अचीवमेंट एंड लेगेसी पे ये बुक्स लिखी गई हैं, राइट। तो पहली बुक का नाम है मोदी एट द रेट ऑफ 20, ड्रीम्स मीट डिलीवरी। सेकंड है हर्ट फेल्ट, द लेगेसी ऑफ फेथ। तो ये 2 books हैं। अब देखिए मोदी वाली तो हमें पता लग रही है कि नरेंद्र मोदी के ऊपर बेस्ड है, लेकिन ये हर्ट फेल्ट द लेगेसी ऑफ फेथ ये आ सकता है, क्योंकि इससे नहीं पता लग रहा कि किससे रिलेटेड है ये, है ना। तो इस तरह के क्वेश्चन आते हैं जिनसे आप प्रिडिक्ट ना कर पाए, ठीक है। चलिए फोर्थ पॉइंट हमारा आता है, वर्ल्ड्स लार्जेस्ट मैन्यूस्क्रिप्ट लाइब्रेरी इज बींग बिल्ड एट। पूरी दुनिया की सबसे बड़ी मैन्यूस्क्रिप्ट लाइब्रेरी कहाँ बनाई जा रही है? तो मैन्यूस्क्रिप्ट क्या होता है? कोई भी चीज़ आप हाथ से लिखते हैं ना, ठीक है, हैंड रिटन जो होता है दैट इज़ कॉल्ड मैन्यूस्क्रिप्ट। तो मैन्यूस्क्रिप्ट लाइब्रेरी का मतलब है कि वहाँ पे जो भी पुरानी पुरानी हाथ से लिखे गए ग्रंथ वगैरह या जो भी चीज़ें हैं वो रखी जाएंगी। पूरी दुनिया की सबसे बड़ी होगी, खोली जा रही है इंडिया में, गुजरात में, एंड मोर देन 25,000 मैन्यूस्क्रिप्ट्स। यहाँ पे 25,000 से भी ज़्यादा मैन्यूस्क्रिप्ट्स जो हैं वो रखी जाएंगी। अब आप लोगों के लिए ये टास्क है, आप मुझे बताएंगे कि गुजरात में एग्जैक्टली किस लोकेशन पर ये बिल्ड की जा रही है मैन्यूस्क्रिप्ट लाइब्रेरी, जल्दी से कॉमेंट सेक्शन में बताएं, ठीक है। फिफ्थ पॉइंट है, डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह रिसेंटली लॉन्च 2 helipads एट। जो हमारे डिफेंस मिनिस्टर हैं कौन है, राजनाथ सिंह हैं, उन्होंने 2 helipads लॉन्च किए हैं रिसेंटली। तो कहाँ पे किए हैं, क्वेश्चन ये है, तो वो है लद्दाख यूटी में किए गए हैं, राइट। सिक्स्थ पॉइंट आता है हमारा, बट अगर आपको वीडियो अभी तक पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, लाइक करने में कोई कंजूसी मत कीजिएगा, ठीक है। सिक्स्थ पॉइंट है, रंजन गांव इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर, ये जो मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर है विल बी डिवॉल्व्ड एट, कहाँ पे ये जो है डिवॉल्व किया जाएगा, बनाया जाएगा, तो वो है महाराष्ट्र, ठीक है। तो चलिए हमारा फर्स्ट पेज हो गया कंप्लीट। आई होप मैं आपको जो भी पढ़ा रही हूँ आपको समझ में आ रहा है, आपको कोई डाउट नहीं है। देखिए
वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। एंड आगे चलने से पहले आपको एक चीज़ बताना चाहूँगी, अगर अब आप चाहें तो मेरे हैंड रिटन नोट्स परचेज भी कर सकते हैं। उसके लिए आपको क्या करना है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया है, उस लिंक पे जाके क्लिक करना है। जैसे ही आप उस लिंक पे क्लिक करेंगे आप डायरेक्टली मेरे कॉन्टैक्ट में आ जाएंगे। प्लस जो भी आपके डाउट्स हैं, क्वेश्चंस हैं, क्वेरीज हैं, आप मुझसे पूछ सकते हैं। एंड बिलीव मी, बहुत ही ज़्यादा अफोर्डेबल रेट पर आपको नोट्स मिल जाएंगे, तो ऐसा कोई इशू नहीं है। बस आप, वैसे तो मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूँगी कि नोट्स अपने आप बनाएं, आप साथ साथ में वीडियोस देखें, नोट्स बनाएं। बट इनकेस आप जॉब कर रहे हैं, कॉलेज जा रहे हैं, कोई और कोर्स कर रहे हैं, टाइम नहीं है नोट्स बनाने का, तो उसके इसमें आप नोट्स परचेज कर सकते हैं। साथ में वीडियोस में तो मैंने सेम नोट्स से पढ़ाया है, तो आपको कहीं भी नोट्स में कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग होती है, कुछ समझ नहीं आ रहा है ना, पढ़ने नहीं आ रहा, कुछ भी हो रहा है, तो आप वीडियो देखें उसी टॉपिक से रिलेटेड और आपको सारा कंटेंट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो एक तरह से पूरा का पूरा कोर्स आपको काफ़ी ज़्यादा अफोर्डेबल रेट पर मिल रहा है। तो चलिए, फर्स्ट पेज हो गया कम्प्लीट, अब चलते हैं नेक्स्ट पेज की तरफ। तो सेवन्थ पॉइंट आता है, ADB अप्रूव्ड 350 million USD लोन टू इम्प्रूव रोड कनेक्टिविटी इन विच स्टेट। ADB क्या है, एशियन डेवलपमेंट बैंक, और 350 million USD का मतलब है USA का जो डॉलर है उसकी बात करें, यूनाइटेड स्टेट्स डॉलर कहते हैं इसे। ठीक है, तो एशियन डेवलपमेंट बैंक ने क्या किया है, 350 million dollars का लोन दिया है कौन से स्टेट को, ताकि वो वहाँ पर अपनी रोड कनेक्टिविटी को ठीक कर सके, तो वो दिया है महाराष्ट्र को। ठीक है, तो अब ADB के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं कि ये है क्या चीज़। ADB स्टैंड्स फॉर एशियन डेवलपमेंट बैंक, ये रीजनल डेवलपमेंट बैंक है। रीजनल मतलब किसी पर्टिकुलर एरिया को सर्व करता है, किसी पर्टिकुलर रीजन को सर्व करता है। इट वॉज फाउंडेड इन 1966, पता होना चाहिए कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है, इंस्टीट्यूशन है, कब फाउंड किया गया, कहाँ हेडक्वार्टर है, क्या उसका काम है, कितने मेंबर स्टेट्स हैं। सो इट वॉज फाउंडेड इन 1966, इट्स हेडक्वार्टर इज लोकेटेड इन फिलीपींस। फिलीपींस कहाँ पे है मैप में देखिए, फिलीपींस में एक्चुअली कहाँ पे है, मनीला में है, देखिए कहाँ पे। ठीक है, एम क्या है, टू प्रमोट सोशल एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट इन एशिया। देखिए, कभी भी कुछ भी पढ़ रहे हैं मैप सामने होना चाहिए, जरूरी नहीं आप ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं तभी मैप चाहिए आपको, आप हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, मगध एम्पायर पढ़ रहे हैं, मौर्यन एम्पायर पढ़ रहे हैं, गुप्त एम्पायर पढ़ रहे हैं, हर्षवर्धन पढ़ रहे हैं, तो आप थोड़ी हर्षवर्धन की पूरी कहानी याद रखेंगे, है ना। तो आपको एरिया पता होगा कि हाँ जी मगध में था, MP में था, कहाँ था, तो अगर आपको जब एरिया पता होगा, ठीक है, तो आप स्टोरी को रिलेट कर पाएंगे। तो हमेशा हमेशा ये चीज़ ध्यान में रखना है कि सिर्फ ज्योग्राफी के लिए हमें मैप्स की जरूरत नहीं होती, हमें बाकी कोई भी सब्जेक्ट पढ़ना है, जैसे करंट अफेयर्स है, मैप्स तो आपको चाहिए। तो हमेशा कहती हूँ कि अपने सामने वर्ल्ड मैप, इंडिया का मैप लगाएं, अगर नहीं है आपके पास स्टडी टेबल एंड ऑल, आप वैसे ही पढ़ते हैं, तो अपने साथ में एटलस रखें, जहाँ भी आप एटलस खोल दी, वर्ल्ड मैप खोल दिया, अगर वर्ल्ड का पढ़ रहे हैं, इंडिया के बारे में पढ़ रहे हैं तो इंडिया का मैप खोल दिया, दैट्स इट। ठीक है, अब जैसे यहाँ पे वर्ल्ड की बात हो रही है, तो एशियन डेवलपमेंट बैंक देखिए फिलीपींस कहाँ है, काम क्या है, टू प्रमोट सोशल एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट इन एशिया, मतलब एशिया में ये एक कंट्री है, आइलैंड कंट्री है, इसका काम क्या है कि एशिया में सामाजिक स्तर पर, आर्थिक स्तर पर विकास करना। ठीक है, नाउ इसमें कितने मेंबर स्टेट्स हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सो एट द टाइम ऑफ एस्टेब्लिशमेंट, जिस टाइम ये बना था उस टाइम थे 31 मेंबर्स और अब हो गए हैं 68 मेंबर्स। ठीक है, चलिए, वीडियो पसंद आए तो साथ साथ में लाइक जरूर करते रहिएगा, लाइक करने में बिल्कुल भी कंजूसी मत कीजिएगा। नाउ आगे चलते हैं, अब हम पढ़ेंगे एट्थ पॉइंट, एट्थ करंट अफेयर। सो फोर्थ एडिशन ऑफ इनोवेशंस फॉर यू कॉफी टेबल बुक लॉन्च्ड बाय, फोर्थ एडिशन है ये कॉफी टेबल बुक है, इनोवेशंस फॉर यू किसने लॉन्च की है, एम ऑफ नीति आयोग। अब नीति आयोग का एम क्या है, एम तो मतलब उद्देश्य, बट ये फुल फॉर्म है, ये एब्रीवेशन है, तो इसकी फुल फॉर्म है अटल इनोवेशन मिशन, जो है नीति आयोग का, उन्होंने ये कॉफी टेबल बुक लॉन्च की है। तो इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं। अब यहाँ पे आपका काम है नीति आयोग के बारे में देखिए, कब बना, क्या फुल फॉर्म है, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, कब बना, इससे पहले प्लानिंग कमीशन था, फिर ये कब आया, तो ये सब पढ़िए साथ में। ठीक है, आज हमने काफी कुछ पढ़ लिया है ना अलग से, इसलिए मैंने इसको डिस्कस नहीं किया नीति आयोग को अलग से, बट कभी फिर जब दूसरी बार इसका जिक्र होगा तो मैं जरूर डिस्कस करूंगी। ठीक है, नाइन्थ पॉइंट आता है, तोखु इमोंग बर्ड काउंट इवेंट TEBC होस्टेड बाय, कौन से स्टेट ने होस्ट किया है ये इवेंट, तोखु इमोंग बर्ड काउंट इवेंट, मतलब बर्ड्स को काउंट करना ऐसा कुछ इवेंट है, तो ये नागालैंड ने होस्ट किया है, नागालैंड में ये हुआ। अ डॉक्यूमेंटेशन इवेंट टू लिस्ट बर्ड्स इन द स्टेट, स्टेट में एक डॉक्यूमेंटेशन इवेंट है कि जहाँ पे कौन कौन से बर्ड्स हैं, कितने कितने नंबर ऑफ बर्ड्स हैं, वो सबकी लिस्टिंग यहाँ पे की जाएगी। ठीक है, टेंथ पॉइंट आता है, अकॉर्डिंग टू रिसेंट ग्लोबल स्टडी ऑन स्नेक बाइट्स, यहाँ ये SNAK ही है, ठीक है, इसको गलत मत पढ़ना। अकॉर्डिंग टू रिसेंट ग्लोबल स्टडी ऑन स्नेक बाइट्स, स्नेक बाइट्स पे रिसेंटली स्टडी की गई है, द नंबर ऑफ डेथ्स ड्यू टू स्नेक बाइट्स वॉज हाइएस्ट इन इंडिया। इसका मतलब क्या है, एक स्टडी की गई है कि कहाँ पे सबसे ज़्यादा जो सांप है वो डंक मार के आदमियों को मार देते हैं। ठीक है, सांप के डंक से, सांप की वजह से ह्यूमन की डेथ होती है, तो इसकी स्टडी की गई, तो पता चला कि सबसे ज़्यादा डेथ
डेथ सांप के काटने से, सांप के डंक से कहाँ हुई है? इंडिया में हुई है। तो ये एक स्टडी, और वैसे लगता भी इंडिया में ये सारे जो एनिमल्स थोड़े ज़्यादा ही पाए जाते हैं ना। चलिए इलेवेंथ पॉइंट आ गया हमारा, लास्ट हम करंट अफेयर डिस्कस करेंगे। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, लाइक करने में कंजूसी मत कीजिएगा। एंड लास्ट पॉइंट डिस्कस करने से पहले आपको बताना चाहूँगी कि अगर अब आप चाहें तो मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो भी कर सकते हैं। अपने इंस्टाग्राम अकाउंट का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, तो आपको क्या करना है, जल्दी से डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना है, जो वो लिंक है उस लिंक पे क्लिक करना है। जैसे आप उस लिंक पे क्लिक करेंगे आपके सामने मेरा अकाउंट अपीयर हो जाएगा, वहां पर मुझे जल्दी से फॉलो करना है, ठीक है। तो चलिए आज का लास्ट करंट अफेयर पढ़ते हैं, द स्टेट ऑफ फूड एंड एग्रीकल्चर रिलीज्ड बाय। अब आप सोचोगे ये क्या चीज़ है, स्टेट ऑफ फूड एंड एग्रीकल्चर, ये तो लग रहा है कोई स्टेट है, राज्य, नहीं नहीं, अरे ये एक रिपोर्ट है, सोफा भी आप बोल सकते हैं, स्टेट ऑफ फूड एंड एग्रीकल्चर ये एक रिपोर्ट है। किसने लॉन्च की है? FAO ने लॉन्च की है, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन ने लॉन्च की है। FAO के बारे में भी थोड़ा सा टाइम का इशू है, हम देखिए मेरा टारगेट रहता है कि 10 से 12 मिनट की वीडियो से ज़्यादा ना हो, ठीक है। तो इसके बारे में हम रह गए, एक नीति आयोग रह गया, एक FAO के बारे में रह गया, तो हम ये आगे डिस्कस करेंगे ज़रूर जब भी इनका दूसरी बार जिक्र होगा, ठीक है। थोड़ा सा रिपोर्ट के बारे में जान लेते हैं कि ये रिपोर्ट क्या, इसकी क्या बताती है, क्या इन्फॉर्मेशन देती है। तो 2022 में जो ये रिपोर्ट आई थी इसके हिसाब से ये क्या करती है, इट लुक्स एट हाउ ऑटोमेशन इन आर एग्री फूड सिस्टम्स कैन कॉन्ट्रीब्यूट टू अचीव SDG सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। अब देखिए जो हमारा एग्रीकल्चर सिस्टम है उसमें बहुत ज़्यादा ऑटोमेशन सर्विसेज आ गई हैं, नई नई टेक्नोलॉजीज आ गई हैं, एडवांसमेंट होंगे, तो उस वो सब चीज़ें कैसे कॉन्ट्रीब्यूट करती हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स की तरफ, ठीक है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स मैंने आपको बताया था कितने हैं, क्या है, ठीक है, तो इसे हम अभी डिस्कस नहीं करेंगे, ठीक है। आगे मैं कोशिश करूंगी कि जल्दी से जल्दी जो है ये जब भी टॉपिक्स आए मैं इनके बारे में एक्सप्लेनेशन दूं आपको। सो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही, आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तब तो आपको बहुत ही अच्छे से पता है कि क्या करना है, जल्दी से कर दीजिए चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन को कीजिए प्रेस, सो दैट मैं जैसे कोई वीडियो अपलोड करूँ सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास आए। प्लस जो भी आपके फ्रेंड्स हैं जो गवर्नमेंट एग्जामिनेशन के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं उनके साथ भी मेरे चैनल का लिंक ज़रूर शेयर करें, सो दैट इन हैंड रिटन नोट्स का उन्हें भी थोड़ा बहुत हो सके, राइट। जैसे कि आपको पता ही है मैं अपने चैनल पे हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, करंट अफेयर्स हर एक सब्जेक्ट के हैंड रिटन नोट्स पढ़ाती हूँ, तो पढ़ने के लिए आप मेरे साथ बने रहें। एंड फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही, आज के करंट अफेयर्स हो गए कंप्लीट, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो दैट्स इट गाइज एंड सी यू सून।